हेलो गाइज कैसे हैं आप वेलकम बैक टू लिटरेचर इंफॉर्मेशन आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थीरी को जिसमें हम डिस्कस करेंगे थीरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन मार्क्स एंड मार्क्सिज्म सिमिलैरिटीज़ और कंपैरिजन अब सिमिलैरिटीज़ और कंपैरिजन किसका हम लोगों ने डिस्कस करना है मार्क्स का और हैबर का और मार्क्स Marx और मार्क्सिज्म को भी हम लोग डिस्कस करेंगे थीरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे वैसे मैं लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ थी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के ऊपर लेकिन आज हम लोग बस एक शॉर्ट्स ओवरव्यू लेंगे इसका और मार्क्स Marx और मार्क्सिज्म का बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे उसके अलावा हैबर मास को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी लेकिन इस लेक्चर के अंदर भी मैं थोड़ा बहुत आपको हैबर मास के बारे में बताऊंगी यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैं बताऊँगी और हम लोग मार्क्स का और हैबर मास की थीरी सोशल थीरीज जो हैं उनकी सिमिलरिटीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कंपैरिजन पे डिस्कशन करेंगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रिटिकल थीरी जो है ये खड़ी हुई है मार्क्सिज्म पर हम लोगों ने क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स बनाए हैं आई थिंक थर्टीन लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ क्रिटिकल थ्योरी पर मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आप लोगों को मार्क्सिज्म ही मिलेगा तो अब आज का जो हम लोगों का थेरिस्ट है हैबरमास इसके बारे में आपको कुछ न्यू चीज़ मिलेगी वैसे तो लेक्चर बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो मैं लिंक अपलोड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर हैबरमास के बारे में मैं आपको यह बता रही हूँ कि वो कन्वेंशनल फॉलोअर की तरह मार्क्सिजम को फॉलो नहीं करता था लेकिन इन्होंने क्या किया जो इसकी लिमिटेशंस थी उसको दुरुस्त करने की कोशिश की इसकी जो मॉडर्न दौर के हिसाब से रिक्वायरमेंट जो थीं उनके मुताबिक इसने मार्क्सिज्म को हारमोनियस बनाने की कोशिश की ठीक है टू डेट करने की कोशिश की तो इस तरह आप लोग कह सकते हैं कि हैबर मास जो है ही इज़ बिट अवे फ्रॉम मार्क्सिज्म यहाँ आप इसको पोस्ट मार्क्सिज्म भी कह सकते हैं हैवर मार्स जो थे ये बहुत बड़े फिलासफर थे इन्होंने सोशल एक्शन थीरी द सिस्टम थीरी और द सिम्बॉलिक इंटर एक्शनज़म थीरी को इकट्ठा किया अब मार्क्सिज्म को अगर हम लोग देखें तो इसमें सीड्स हैं एवोल्यूशन के एडोनो और हॉक के ऊपर आप लोग लेक्चर ले चुके होंगे उनके बारे में आप लोगों को पता होगा उस पर भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ दोनों थीरिस्ट के ऊपर तो इन लोगों ने क्रिटिकली बात की मार्क्सिज्म पर और हैबर मास जिनको आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये थोड़े डिफरेंट थे इनसे ये ब्लाइंडली फॉलोअर नहीं थे मार्क्सिज्म के जैसा कि मैंने बताया बल्कि इन्होंने क्या किया कि एडोर्नो और हॉक मार के थीरीज के थ्रू मार्क्सिज्म को अप्रोच किया और उसको मॉडर्न वेज़ के हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट्स हैं आज के दौर की वैसे बेटर बनाने की कोशिश की अब तरीक़ेकार से तो इख्तलाफ हो सकता है बिकॉज हर दौर की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं और हर फ़िलासफ़र पुरानी थ्योरीज़ को देखते हुए नई चीज़ सामने लेकर आता है ताकि प्रेजेंट दौर में सब सेट रहे इसमें कोई गलती ना हो जबकि ये प्रेजेंट दौर में जो चल रही होती हैं चीज़ें आने वाले दौर के अंदर ये भी गलत साबित हो जाती हैं क्योंकि आने वाले दौर के अंदर रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं आइडियालॉजी अलग होती है नज़रियात अलग होते हैं तब तो अब हैवर मास इन चीज़ों को क्रिटिकली देखता था जो सोसाइटी पर अपना गलबा जमाए हुए थी और ये चीज़ बाद में आने वाले नियो मार्क्सिस्ट और पोस्ट मार्क्सिस्ट ने भी बताई जैसे हमने पहले भी बात की थी सोसाइटी में ऐसे नैरेटिव्स को सेट कर दिया जाता है कि वो आपको अपना गुलाम बना लेती है आप लिबरल होकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्सिज्म क्या है क्रिटिसिज्म ऑफ़ आइडियालॉजी ये इन आइडियालॉजीज़ पर क्रिटिसिज्म होती है कि जो आइडियालॉजीज़ आपको पूरी तरह से लिबरल माशरा नहीं बनने देती आपको एक आज़ाद इंडिविजुअल के तौर पर जिंदगी नहीं गुज़ारने देती समटाइम्स आपको पता चलता है लेकिन समटाइम्स आपको पता भी नहीं चलता और आप अपनी सारी जिंदगी इन्हीं ही प्रैक्टिकली बात करता था हिस्टोरिकल फोर्सेस की हिस्टोरिकल एलिमेंट्स की जो माशरे में अप्स एंड डाउन आते हैं उनकी वो कहता है कि मार्क्सिज्म एक ऐसी थीरी है डेट इज टेंडिंग टू चेंज द रियलिटी होल ये रियलिटी को ऑन द होल चेंज करने की कोशिश करती है इन चीज़ों का एहसास दिलाकर रेवोल्यूशन के लिए खड़ा करके अब मार्क्स ने भी यही कहा था ना आगे हम लोग कंपैरिजन के अंदर देखेंगे वो ऑन द होल सोसाइटी चेंज करने की बात करते हैं यूटोपियन सोसाइटी एक ऐसी आइडियल सी सिचुएशन क्रिएट कर देना जो बिल्कुल चेंज कर दे पहले से ठीक है जबकि हैबर ऐसी बात नहीं करते ये हम लोग डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के अंदर कि क्या क्या हम लोग हैबर मास और मार्क्स इन दोनों में कौन से सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन से डिफरेंसेस हैं अब मार्क्स का पेश किया हुआ एक एलिमेंट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वो कहता है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है डेफ़िनेटली इसमें अपडेट्स होती रहती हैं फ्यूचर रेवोल्यूशन या सोशल रेवोल्यूशन के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हैबर है मास ने अब नेक्स्ट रिकन्स्ट्रक्शन पर ज़ोर दिया वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट एज ओनली एज ए मैथड बल्कि एज ए थी एज वेल कि रिकन्स्ट्रक्शन होना चाहिए नॉट एज ए मैथड एज ए थीरी वेल कि इसमें साथ साथ अपडेट्स होती रहनी चाहिए इस बात पर वो जोर देता है रिकन्स्ट्रक्शन यही है ना कि नए सिरे से इसको कंस्ट्रक्ट करना नए सिरे से बनाना एक चीज़ को अब हैबर मास ने बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चनिंग की कुछ अजम्पन्स भी हुई फिर उन्होंने कुछ सजेशन्स भी दी पुरानी थीरीज को देखते हुए अब हैवर मास के अकॉर्डिंग ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म है ये ये एक सिर्फ रेडिकल सोशल चेंज लाने वाली थीरी नहीं है या सिर्फ रेडिकल सोशल चेंज के अबाउट थीरी नहीं है बट अबाउट सोशल एवोल्यूशन एज़ वेल ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इनकलाब ही आएगा एवोल्यूशन भी होता है और इनकलाब की नस्बत ये ज़्यादा पायदार है जैसे यूरोप को ले लें इनको इनकी जो प्रोग्रेस है वो उनकी सदियों की कंटिन्यूटी की वजह से है आज उनके इंस्टीट्यूशन स्पीक पर किस लिए हैं इसी वजह से उनकी मेच्योरिटी की वजह से उनकी कंटिन्यूटी की वजह से उनकी अनार की उनके बाकी लीगल सिस्टम उनके पार्लियामेंट, उनका सारा कुछ जो भी है वो मेचोरटी तक कैसे पहुँचा वो यूँ नहीं पूछा रातों रात, रात इनकलाब आ गया बल्कि सदियाँ गुजरी हैं बहुत अरसा गुजरा है उसके नतीजे में ये एवोल्यूशन हुआ है और यही एवोल्यूशन ही है जो किसी भी कंट्री को पीक पर ले जाने के लिए रिक्वायर्ड होता है ये दीवाना ख़्वाब होता है कि चंद एक साल में या दो तीन सालों में कोई इनकलाब आ जाए एक्चुअली में अगर हम लोग एवोल्यूशन की तरफ ही लेकर जाए चीज़ों को तो उसी के साथ क्या होगा साथ इनकलाब होता रहेगा छोटे मोटे इनकलाब तो आते रहते हैं जो गलत चीज़ें हैं जैसे वो साथ साथ ठीक होती रहती हैं बस बेसिक कंडीशंस होनी चाहिए क्योंकि गलत काम किसी को भी पसंद नहीं होता तो ऐसे माशरे में छोटे छोटे इनकलाब से एवोल्यूशन आएगा लेकिन ये सारी चीज़ें कंटिन्यूटी से आती हैं कंसिस्टेंसी से आती हैं और इनकलाब श से आता है और शूर जब आता है तो इसको फैलाने में टाइम लगता है रातों रात नहीं आता इनकलाब इट टेक्स टाइम अब हैबर मास ने क्या कहा कि एक सोसाइटी में एक निज़ाम कायम रखने के लिए की फॉर रिकन्स्ट्रक्शन होनी चाहिए यह बहुत ज़रूरी होता है फ़ॉर एक्ज़ाम्पल एक इंडस्ट्रियलिज़म है ये तभी रहेगा जब इंडस्ट्री लगेगी इसमें रॉ मटेरियल आपको कम कीमत में मिलता रहेगा चीप लेबर आपको मिलती रहेगी तभी बरकरार रह सकेगा ना इंडस्ट्रियलिज़म इनमें से एक भी चीज़ ना मिली तो ये कायम नहीं रह सकेगा अब हैबर मास ने कहा कि सोशल एवोल्यूशन जो है ये लर्निंग पर बेस करता है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शौर से इनकलाब आता है और ये लर्निंग इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होती कलेक्टिव लेवल पर होती है क्योंकि अकेला बंदा इंकलाब नहीं ला सकता जब तक उसके साथ सोसाइटी ना हो अभी जो हम लोगों ने इंडस्ट्रियलिज्म की बात की उसी के ऊपर दुआ एग्जाम्पल देती हूँ देखे अब चीप लेबर होगी उसको जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी ही उनको इतनी देंगे कि वो अपने बच्चों को अला तालीम नहीं दिलवा सकते वो यही सोचेंगे कि मेरा बच्चा बड़ा होगा मेरा हाथ बटाएगा और सिस्टम जो है जो सैलरी दे रहा है वो उस जनरेशन के दिमाग में ये चीज़ डालेगा उस लेबर के दिमाग में ये चीज़ डालेगा कि आपकी जगह हम आपके बेटे को रख लेंगे और वो जनरेशन जो वो लेबर है जो वो गरीब तबका है वो उनका क्या नेगेटिव बनेगा कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है और वो उसी नैरेटिव के अंदर खुश हो जाएंगे और सिस्टम जो है वो एक और न्यू जनरेशन को अपने अंदर अंडर लाने के लिए चीप लेबर उनको तो मिल गई वो कामयाब हो गई इसके अंदर तो ये वो नैरेटिव्स हैं जिसमें ऐसे लोग खुश रहते हैं यहाँ पर अब बात क्या हुई कि लेबर की लर्निंग पर काम किया जाए साथ, साथ एक और मैं पॉइंट आपको क्लियर करती जाऊँ कि बहुत से लोगों को एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन का नहीं पता होता कि इसमें डिफरेंस क्या है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देती हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन दोनों का मतलब चेंज होता है लेकिन एक होता है सोसाइटी में चेंज और एक होता है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर चेंज अब रेवोल्यूशन होता है पॉलिटिक्स की ज़ुबान में कि सोसाइटी में कोई चेंज आया जबकि एवोल्यूशन होता है इंडिविजुअल की फ़िज़िक्स में चेंज आना उसकी साइकी में चेंज आना उसके बिहेवियर में चेंज आना ये जनरेशन टू जनरेशन आता है मतलब जानदारों से रिलेटेड है ये चेंज जबकि रेवोल्यूशन सोसाइटी से रिलेटेड है ये सोशल ट्रेडिशन या कस्टम इनको चेंज करने में काम आता है और एवोल्यूशन जो है ये नेचुरल चेंज है टाइम टू टाइम चेंज आता है ये एवोल्यूशन के चेंज से हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं जबकि रेवोल्यूशन चेंज से ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले क्लियर अब रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे अब हम लोग बात क्या कर रहे थे इंडिविजुअल लेवल और कलेक्टिव लेवल की लर्निंग पर कि दोनों की लर्निंग होनी चाहिए यह हैबन ने कहा था अब आगे बताया गया है कि कलेक्टिव लर्निंग की वजह से डिफरेंट एरा में कई किस्म की फॉर्मेशन हुई हैं ये जो मैंने लास्ट पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर विच माइट बी माइंड क्रिएटेड सोसाइटी जैसे सोसाइटी के अंदर चेंज आया जब फ्यूडलिज्म से इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ आए तब क्या चेंज आया था कि एग्रीकल्चर के लिए लेबर रॉ मटेरियल सब कम पड़ गया था काम तेज़ी से नहीं हो रहा था फिर उस वक्त मशीनी हाथों की ज़रूरत पड़ी और इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ आए लोग अब रेवोल्यूशन देखें अगर सीक्वेंस के अंदर तो पहले आया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब किस चीज़ का रेवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इसमें हेबर मॉस कहता है कि माइंड का इस्तेमाल बहुत अच्छा है जो लेबर क्लास है जो फ़िज़िकल फ़ोर्स है वो कम से कम होती जा रही है आपकी फ़िज़िकल फ़ोर्स की जगह आप ले ली है मशीन्स ने अब आप ख़ुद देखें ये बड़े बड़े जहाज़ बहरी जहाज़ इनका एक पार्ट अगर बनाना हो तो वो कोई इंसान का हाथ नहीं बना सकता मशीन्स उनको मोल्ड करती हैं इंसान के बस की बात नहीं है ये कि वो अपने हाथ से इसको उठाकर बनाए तो ये दिन ब दिन माइंड का काम जो है ये बढ़ता जा रहा है और हेबर कहता है ये सब चीज़ें माइंड पर मबनी है माइंड क्रिएटेड सोसाइटी है ठीक है अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं मार्क्स और हैबर की सोशल थीरीज का कंपैरिजन। अब मार्क्स कहता है कि आइडिया ऑफ मेटेरियल इन सोशियोलॉजी जो है ये गुड है जो कि सोशल चेंज और लेबर पर डिपेंड करता है जबकि हैबर ने स्ट्रेस दी द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल एंड कम्युनिकेशन मार्क्स बात करता है प्राइमेसी की बेस के ऊपर जबकि हैबर मार्क्स बात करता है कम्युनिकेशन पर वो प्रमोट करता है सुपर स्ट्रक्चर को मार्क्स बात करता है यूटोपियन पर्सपेक्टिव से एन आइडियल सिचुएशन क्रिएट करके मतलब वो कहता है टू क्रिएट ए न्यू मीन जबकि हैबर मार्क्स काउंट ऑन एग्जिस्टिंग पीपल वो कहता है जो इंसान है उसी को मोल्ड करो न्यू चीज़ नहीं क्रिएट करो अगर हम लोग दोनों थीरीज की सिमिलेरिटीज़ को देखें तो बोथ बिलीव इन गुड ह्यूमन नेचर दोनों ने नॉन कैपिटल बेस में सोशल डेवलपमेंट के लिए नई चीज़ें दी लेकिन एक बात में डिफरेंस आ गया इस केस के अंदर मार्क्स ने बात की कम्युनिस्ट सॉलिडेरिटी के ऊपर और हैबर मार्क्स ने कहा म्यूचुअल नगोशियशन और कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर हैबर मास ने इसके अल्टरनेटिव में कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी या कम्युनिकेटिव माइंड का पैराडाइम सामने रखा लेकिन फिर भी इनको मार्क्सिस्ट या नियो मार्क्सिस्ट नहीं कहा जा सकता ठीक है ये सिमिलरिटीज़ थी अब कंक्लूजन क्या है कि इन शॉर्ट हम लोगों ने हैबर मास की कम्युनिकेटिव एक्शन थीरी के अंदर क्या सबक हासिल किया नंबर वन डिवेलप जस्टिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन थीरी एंड पॉलिटिकल प्रोसेस उसके अलावा हमने पढ़ा कि कलेक्टिव और इंडिविजुअल लेवल पर लर्निंग होनी चाहिए उसके अलावा रिकन्स्ट्रक्शन पर जोर दिया हैबर मास ने उसके अलावा उन्होंने कहा कि ओवर सिंप्लीफिकेशन ये नहीं होनी चाहिए उसके अलावा उन्होंने कहा कि रैशनैलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए हैबर मास ने कहा कि सक्सेस प्रिंसिपल और सोलिडिटी प्रिंसिपल शुड बी चेंज हैबरमास ने कहा कि आर्ग्यू करना चाहिए कम्युनिकेशन थीरी के अंदर सबसे मेन पर्सपेक्टिव स्पीच का था कम्युनिकेशन का था निगोशिएशन का था वो क्यों कहते थे आर्ग्यू करना चाहिए क्योंकि सोसाइटी ऐसे नैरेटिव बनाती है ऐसे सिनेरियोस क्रिएट कर देती है कि बंदा फिर उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाता है उसके अलावा दो मेन हम लोगों को सबक क्या मिले कि सेट एथिक्स सो यू शुड फॉलो मेक द कंडीशंस सो रैशनल डिसकोसेज हैपन अमंग पीपल ये दो चीज़ें जो हम लोगों को मिली हैं ये सबसे मेन है इनके ऊपर अमल कर लिया जाए तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं ये था आज का लेक्चर छोटा सा मैंने कंक्लूजन निकाला थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन का ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझ सकें उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी कहीं से कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तब तक अपना ख्याल रखें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज